है ऑल। वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, आज हम लोग नंबर सीरीज शॉर्टकट्स पढ़ने वाले हैं। मतलब ट्रिक्स या शॉर्टकट्स जो है वो क्या क्या ध्यान में रखें ताकि हम लोग नंबर सीरीज जो है वो आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सीरीज आई ऑलवेज से दैट इट्स अ डबल एज्ड वेपन और अ स्वॉर्ड। सी, ये सबसे ईजी टॉपिक्स में से एक होता है और वन ऑफ द मस्ट अटेम्प्ट टॉपिक होता है। और आई थिंक बच्चे अगर ये ठीक से प्रैक्टिस करे हैं या बच्चों को अगर ये ठीक से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हार्डली इन 20-30 सेकेंड्स यू विल बी एबल टू डू दी नंबर सीरीज क्वेश्चंस। लेकिन इसमें ये भी होता है कि हर बार तो भी ये फीडबैक है। सी, फ्रॉम लास्ट, दिस इज माई 11th ईयर रनिंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फ्रॉम फॉर दिस, है ना। 8,000 से 10,000 बच्चे पढ़ा चुका हूँ और हर बार जो रिव्यू आता है वो ये होता है, सर एग्जाम में 4 में से 3 ही हुआ, 5 में से 3 ही हुआ। कभी कभार ये हो जाता है, एक आध दो का ये भी होता है कि सर वो एक नंबर सीरीज के पीछे 5-6 मिनट निकल गए, हमें ध्यान में नहीं रहा। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट जो है ये क्वेश्चन देखकर बड़े क्लियर होने चाहिए कि क्या क्वेश्चन में आपको किस हिसाब से अटेम्प्ट लेना होता है। तो आज मैं आपको एक्चुअली ये सिखाऊंगा। हर बार आपको पता है कहीं पर भी आप देखोगे तो नंबर सीरीज में आपको हमेशा ये सिखाया जाता है, ओके ये सीरीज है, बोले अब नेक्स्ट नंबर पर जाने के लिए क्या करने का। ऐसा नहीं, लेकिन नेक्स्ट नंबर पर जाने के लिए क्या करने का वो आइडिया कैसे सीरीज देख कर ही आ जाए, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, प्लीज काफी ध्यान से इसको समझिएगा और पढ़िएगा। नंबर सीरीज बड़ा आसान है, हमें तो हमेशा से आता ही है, वो वाले मोड में मत रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कितने कितने तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं या इसके अंदर लॉजिक सेट होते हैं। सो सबसे पहला वाला जो यहाँ पर लॉजिक होता है वो है क्वेश्चंस विथ डिफरेंस, है ना। हर एक स्लाइड पर मैं एक नया वाला टॉपिक लूंगा और बस आपको इतना याद रखना है। अब डिफरेंस का मतलब होता है खाली एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने के लिए आप को या तो कुछ नंबर प्लस करना पड़ेगा या तो आप कोई नंबर माइनस करोगे और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं 4, 8, 13, 19, तो फिर क्या आना चाहिए, है ना। तो अब 4 से 8, 8 से 13, 13 से 19, अगर सीरीज जो है वो असेंडिंग में है, मतलब ये एडिशन वाला सीरीज होता है। अगर सीरीज डिसेंडिंग में है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, जबकि डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। अगर सीरीज डिसेंडिंग में है तो मतलब वो माइनस वाला क्वेश्चन आता है ना। अगेन आप मन में सोच रहे होंगे, अरे ये तो हमें पता है, आई नो आपको ये सब पता है ना। तो अगर सब पता है तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि जिनको सब पता होता है उनके मैथ में पूरे मार्क्स आने चाहिए, करेक्ट। तो 4 से 8, तो अब सीरीज जो है वो ये असेंडिंग में जाएगा, सबसे पहले डिफरेंस है तो 4 से 8 कितना डिफरेंस बनता है, 4, करेक्ट। अब 8 से डिफरेंस कुछ नहीं होता, खाली प्लस माइनस होता है। असेंडिंग में बढ़ेगा तो प्लस करना, कम होगा तो माइनस करना। कितना बढ़ा, 4। अब 8 से ये कितना बढ़ा, 5। अब ये कितना बढ़ा, 6। तो इतना देखकर फिर आपको लॉजिक बैठ जाता है कि क्या सीरीज है। कंसेक्यूटिव 4, 5, 6, तो अब कितना बढ़ना चाहिए, 7, 19 प्लस 7, नेक्स्ट नंबर या तो आंसर क्या आएगा आपका, 26, करेक्ट। अब एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये खाली मैं समझा रहा था आपको। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस, इतना हमेशा याद रखना, एग्जाम में जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे ना उसमें फर्स्ट डिफरेंस से, मतलब पहली बार आपने डिफरेंस निकाला और आपके आंसर आ गए या आपको सीधा लॉजिक सेट हो गया, ऐसे चांसेस बड़े कम होते हैं। ऐसे चांसेस तो ही आएंगे अगर आपने आपकी जिंदगी में बड़े अच्छे काम करे हो, है ना। तो आई फील दैट इज वेरी लेस प्रोबेबल। तो ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस बनाना पड़ेगा और सेकंड या तो थर्ड डिफरेंस में लॉजिक निकलेगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो सर लेकिन पहली बार डिफरेंस, काफी बार बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं, सर लेकिन पहली बार डिफरेंस बनाया, दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर पता चला कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ही नहीं। अब ज्यादातर केसेस में आपको नंबर्स देख के पता चल जाना चाहिए डिफरेंस वाले है या नहीं। अगर 4 से स्टार्ट होकर 26 जा रहा हूं मैं खाली, है ना, मतलब सीरीज में बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ है,
तो उस केस में ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है। तो वो चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग डिफरेंस वाले क्वेश्चन की। मान लेते हैं एक सीरीज है, मैं 11, 14, 19, 28, 43। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? ज़्यादातर जो नंबर्स बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो सारे ऐसे ही है कि जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे। अगेन 11 से स्टार्ट होकर खाली 43 तक गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ए और कुछ है, खाली डिफरेंस सिंपल सा प्लस वाला क्वेश्चन होगा। तो कितना बड़ा यहाँ पर? करेक्ट, 3 बढ़ गया। फिर कितना बड़ा? 5 बढ़ गया। फिर कितना बड़ा? अब 3, 5, अगर नेक्स्ट में 7 आया तो सीधा इधर ही आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट में 9 है, फिर उसके बाद में 15 है। तो 3, 5, 7, 9 होता तो ऑड बनता, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, करेक्ट। लेकिन 3, 5, 7, 9 तो नहीं बन रहा है ना यहाँ पर, तो 3, 5, 9, 15 है, मतलब पहली बार से लॉजिक नहीं निकला है, तो मुझे ये डिफरेंस का डिफरेंस लॉजिक का भी लॉजिक निकालना पड़ेगा। फिर इसका भी लॉजिक बताता हूँ कि कैसे पता चल जाएगा कि ये आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। तो 3 से 5 कितना बड़ा? 2 बड़ा। अब 5 से 9 कितना बड़ा? 4 बड़ा। 9 से 15 कितना बड़ा? तो आप 6 बढ़ा। अब 2, 4, 6 ये लॉजिक बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, करेक्ट। इवन नंबर का सीरीज चल रहा है, तो अब 6 के बाद में 8 बढ़ेगा, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना होता है? 23। तो 43 में 23 अगर मैं ऐड करता हूँ, मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 66। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, दैट टू इन SBI एग्जाम, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हुए, ज़्यादातर एग्जाम्पल लूंगा मैं। सो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 66। अब ये आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं, बहुत बार आपको इसका डिफरेंस भी बनाना पड़ सकता है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, है ना। जब बहुत सारी पैटर्न ये आगे कंटिन्यू रहती है तो इसको ट्राइंगुलर पैटर्न वाले क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो पता कैसे चलेगा? तो आपको फर्स्ट डिफरेंस से पता चलेगा। ये देखो 3, 5, 9, 15 सारे नंबर क्या है? सारे नंबर ऑड है। तो जब पहले डिफरेंस बना रहे हो उसमें अगर सारे ऑड या सारे इवन है तो मतलब ये आगे सीरीज जा सकती है, सेकंड या थर्ड में जाना है। अगर पहला नंबर ऑड बना, फॉर एग्जांपल 3, फिर दूसरा 6 इवन बन गया, फिर वापस 7 ऑड बना, फिर वापस 11 ऑड बना, तो एक इवन आ गया ऑड के अंदर, मतलब ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाला क्वेश्चन होने के चांसेस कम है। अगर यहाँ पर भी 5 आता तो वो सारे नंबर ऑड, तो ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस होने के लिए सबसे इजीएस्ट वे ये है कि पहली बार के डिफरेंस देख लो, सारे ऑड में बन रहे हैं या सारे इवन में बन रहे हैं, तो ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते रहना, ये आपको और कहीं सीखने नहीं मिलेगा। एट नो अदर प्लेस दे विल टेल यू कि 3, 6, 9, 15 एक बीच में 6 है तो ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस नहीं हो सकता है, है ना। ज्यादातर केसेस में मैं जो देख रहा हूँ, 1 घंटे का वीडियो होता है, उसमें से 30 मिनट आपको बोला जाता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, आई होप अच्छा लग रहा है। प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। तो उनको अपने लाइक और सब्सक्राइब का टेंशन आप लोगों के एजुकेशन या स्टडी से ज्यादा होता है ना। सो हम यहाँ पर वो सारी ये लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं करने वाले हैं। आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं लगता है तो मत करो, मेरा तो खाली पढ़ाने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और एक एग्जांपल लेता हूँ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का मैं, है ना। लेट अस से इट इज 4, 8, 21, 59, 146। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? अगेन अगर देखोगे तो मतलब 4 से स्टार्ट होकर थोड़ा बड़ा है, 4 से स्टार्ट होकर थोड़ा 146 तक गया है, लेकिन बहुत इंक्रीज नहीं है। मतलब 4 से स्टार्ट होकर 800 चला गया, 2000 चला गया, या तो 1500 चला गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी भी पहला हमें डिफरेंस ही चेक करना चाहिए। कितना बढ़ रहा है? 4। कितना बढ़ रहा है? 13। कितना बढ़ रहा है? 38, है ना। 9 माइनस 1 8 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है। आई होप इसमें कोई ये बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है। इधर कितना कम हो गया? 87 कम हो गया, करेक्ट।
कैसे फटाफट निकाल लिया मैंने, 6 में से 9 में मैं कभी भी माइनस नहीं करता हूँ। मैं इसको दिमाग में ऐसा सोच लेता हूँ कि अगर 60 से 146 जाता तो कितना होता, 86 होता, लेकिन ये तो वो 60 से 1 नंबर का, मैं 59 है, मतलब ये कितना होना चाहिए, 86 नहीं, उससे एक ज़्यादा, 87। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? हाय अना, देखो इधर एग्जांपल देखे, ये वापस ये लिख के समझाता हूँ। 59 से 146, तो 6 माइनस 9, ऐसा नहीं करता हूँ मैं, दिमाग में इसके बाद वाला जीरो वाला नंबर सोचता हूँ। 60 से 146 तो आराम से आपको पता चल जाएगा, 86 करेक्ट, लेकिन ये 60 की जगह पर उससे कम था, मतलब ये 87 होगा। सो दिस इज हाउ आई थिंक जब मैं इसको वो सोचता हूँ। अब 4, 13, 38, 87, मुझे तो कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं देख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। कितना आया 9, कितना आया 25, कितना आया 8, अब ये 49 आ गया है ना, तो 9, 25, 49, अब ये क्लियर है कि ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो अब क्या करूंगा मैं, 9 स्क्वायर, मतलब 81, 87 प्लस 81 अगर आप करते हो तो कितना होता है, 168 हो जाता है बच्चों। आई होप मेरे साथ समझ रहे हो, करेक्ट है ना? तो वो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों को तीसरे डिफरेंस पर लॉजिक निकला, 9, 25, 49, आपको पता है कि क्या है, और वो अल्टीमेटली ऑड नंबर्स जो है उसके स्क्वायर है, बट प्रैक्टिकली ये निकला तो इसके ऊपर से ना, तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर तीसरी सीरीज से हमें वैल्यू मिली है। सो कभी कभार तीन तीन नंबर तक जाना पड़ता है, क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट है तो 4 नंबर तक भी आपको जाना पड़ सकता है, करेक्ट। अब 168 यहाँ पर आया, 87 प्लस 81 168, अब 168 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 146 168, 160 140 कितना होता है, 300 होता है, 6 और 8 14, तो ये 314 हो गया आंसर, करेक्ट। सो आई होप आप लोग समझ रहे हो। तो जब नंबर्स पास पास में, तब डिफरेंस लिया जाता है, और एग्जाम में इतना ध्यान में रखना, पहले डिफरेंस वाला कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना? अब डिफरेंस खाली प्लस माइनस होता है, मान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अब खाली प्लस माइनस से सॉल्व नहीं होते हैं, तो खाली प्लस माइनस वाले नहीं है, मतलब वो किसी एक साइन से, ओनली प्लस ओनली माइनस, किसी एक साइन से नहीं सॉल्व होंगे, तो अब ऐसे क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर मल्टीपल केसेस में आते हैं। मल्टीपल केसेस में आपको कोई 2 या 3 साइन एक साथ लेनी पड़ेगी, सबसे कॉमन यहाँ पर जो होता है वो इंटू समथिंग प्लस समथिंग, इंटू समथिंग माइनस समथिंग, प्लस समथिंग डिविजन समथिंग, फिर इंटू समथिंग डिविजन समथिंग, मतलब कोई भी 2 3 चीजें एक साथ हो सकती है, या तो वापस इंटू प्लस इंटू हो सकता है, या इंटू माइनस प्लस हो सकता है, या इंटू माइनस इंटू हो सकता है, कोई 2 या 3 साइन अब एक साथ आपको यूज करनी पड़ेगी नेक्स्ट नंबर पर जाने के लिए। ज्यादातर केसेस में जो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये भी है कि डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते, 2, 4, 11, 37, 153, और फिर नेक्स्ट नंबर क्या है। अब मेरा टिपिकल लॉजिक नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन मतलब खाली मल्टीप्लिकेशन नहीं, बट मल्टीप्लिकेशन के साथ और भी साइन, वो ये होता है कि मैं लास्ट 2 केसेस चेक करता हूँ। अगर लास्ट 2 केसेस में मल्टीप्लिकेशन ये इंटू टू से ऊपर जा रही है वैल्यूज, है ना, 11 का इंटू 2 कितना होता है, 22, इंटू 3 33, ये तो उससे भी ऊपर है, 37 का इंटू 2 कितना होता है, 64, उससे तो वो डबल से भी ज्यादा है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के चांसेस या तो वो केसेस होते हैं, तो फिर आप इनको मल्टीप्लिकेशन से बनाओ। तो 2 से 4 में इंटू 2 नहीं करूंगा, खाली मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इंटू समथिंग साथ में प्लस समथिंग, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। अब 1 2 अगर है तो इसको मुझे आगे कैरी करना है, तो सेम लॉजिक से फिर कैसे करूंगा, 1 2 तो 3 4, तो 4 3 12 तो ऊपर चला गया तो नहीं होगा, तो फिर 2 3 से कर सकता हूँ, 4 2 8 प्लस 3 11 हो गया। अब 1 2 2 3, तो
लॉजिकली मतलब ये कितना होना चाहिए, 3 4, तो 11 3 जा 33, +4 37 हो गया। तो फिर ये इंटू 4 प्लस 5, और फिर ये इंटू 5 प्लस 6 ही होना चाहिए ना, तो वो 153 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 कितना होता है, 765, और +6 ऐड करूंगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 771। तो ये आंसर हो गया, करेक्ट है ना। तो इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, इस हिसाब से गए हम लोग। तो जब लास्ट टू नंबर्स सीरीज में वो प्रीवियस नंबर से इंटू 2 से भी ऊपर जाते हैं, तो ज्यादातर केसेस में ये मल्टीपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना होता है। चलो और एक सीरीज लेते हैं, लाइक 2 9 24 55 118। अब 24 का इंटू 2 क्या होता है, 48, उससे बड़ा है। 55 का इंटू 2 कितना होता है, 110, ये भी उससे बड़ा है। तो शायद मैं इसको डिफरेंस नहीं इंटू से सोचूंगा। रेयर केसेस में ये डिफरेंस बन सकता है, ना नहीं बता रहा हूँ, बट वो बड़ा रेयर केस होता है, दैट इज नॉट दी जनरल थिंग। अब 2 से 9 इंटू 2 जाना है, तो क्या करूंगा, इंटू, अब यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन होंगे है ना। अब 2 से 9 जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल इंटू 4 प्लस 1 कर सकता हूँ, इंटू 3 प्लस 3 कर सकता हूँ, इंटू 2 प्लस 5 कर सकता हूँ, इंटू 5 माइनस 1 कर सकता हूँ। अब इतने सारे ऑप्शन चेक करने जाओगे तो ओ हो गया। फिर मैंने नहीं बताया था, वो बच्चे ने बोला सर एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग गई, वो वाला केस बैठेगा। तो अब इसका जो की है ना, ये समझ लो, एग्जाम में ये भी होता है कि 5 में से हमेशा 3 क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई वाले ही होते हैं। तो इसका जो की है ये समझ लो, या इसको है ना ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हो, नंबर सीरीज सॉल्व करने का। तो नंबर सीरीज सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र जो है ना, वो ये है कि ये जब मल्टीपल वाले क्वेश्चन होते हैं तो कभी भी आगे वाली वैल्यू से नहीं, हमेशा आप पीछे वाली वैल्यू से लॉजिक डिफाइन किया जाता है। यहां पर 4 सेट बने, मैं चाहूं तो और बना सकता था, मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकता था, 2 क्यूब प्लस 1, समझ रहे हो, 2 स्क्वायर प्लस 5। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं, आप 55 का स्क्वायर क्यूब बनाओगे क्या, कभी नहीं बनाओगे, या 55 का इंटू 4 जा इंटू 5 जा, कुछ नहीं करोगे। तो यहाँ पर एक ही लॉजिक सेट होगा 55 से 188 जाने के लिए, और वो जो एक ही लॉजिक है वो आपका ये है, इंटू 2 प्लस 8 है, करेक्ट। अब फिर इंटू 2 प्लस 8 आने के बाद इसको पीछे जाओ कि अब ये क्या बन रहा है, तो ये इंटू 2 प्लस 7 बन रहा है। तो आपको समझ में आ गया, खाली इंटू 2 इंटू 2 तो कांस्टेंट चल रहा है, एडिशन मतलब ये भी इंटू 2 से ही बनाना है, +5 इंटू 2 प्लस 6, तो यहाँ पर क्या इंटू 2 प्लस 9। और 1 और 2 मिल गए, तो मेरे हिसाब से इसमें भी टाइम खराब क्यों करोगे, आपको तो इसका नेक्स्ट नंबर ढूंढना है ना, इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 8, तो इंटू 2 प्लस 9 कर लो। तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 9, 118 का डबल कितना होता है, 236, और 236 में 9 ऐड करूंगा, मतलब 245, ये मेरा आंसर हो गया, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर की जो है, ब्रह्मास्त्र जो है मल्टीपल वाले क्वेश्चन में, वो हमेशा इधर से लॉजिक निकालने का है। यहाँ से चालू करा तो इतने सारे ऑप्शन बनेंगे कि आप फंस जाओगे। देखो दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, लाइक एग्जाम्पल है 7 49 337 2017, तो नेक्स्ट क्या है ना। अब ज्यादातर क्वेश्चंस तो मुझे ये जुबानी याद हो गए हैं, तो अब मैं 7 से लेकर, इसलिए पहले से क्वेश्चन टाइप करके नहीं रखने पड़ते मुझे नंबर सीरीज में, मोस्ट ऑफ दी सीरीज इज आई रिमेम्बर बाय हार्ट है ना, कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यही मेरा काम है, तो मुझे तो ये आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं टीचर किस काम का है ना। अब 7 से 49, 49 337, 337 से 2017, तो देख कर पता चलता है कि मल्टीपल वाला क्वेश्चन है, प्लस करके कहाँ तक इतना जाओगे, कितना प्लस करोगे। अब जैसे मैंने बताया मल्टीपल में हमेशा आप पीछे की ओर चले जाते हैं। चलो और एक नंबर ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद बनाते हैं ना, इसके बाद में इस सीरीज में था 10081।
अब 7 से स्टार्ट होगा, 10,000 पर नंबर चला गया, तो मल्टीपल है, बड़ी क्लियर सी बात है। अब इससे मुझे इधर जाना है, तो 2000 से 10,000 जाना होता है, तो सीधी सी बात है ना, फाइजा करी जाती है। तो 2000 का फाइजा 10,000 और 17 का फाइजा कितना, 85, मतलब ये कितना आया, 100085 आया। लेकिन यहाँ पर नंबर तो मैंने 81 बताया था, इसमें से 4 माइनस, मतलब 25 माइनस 4 करा, समझ रहे हो। अब ये 25 माइनस 4 आया, तो इधर से इधर जाने के लिए, इधर से ये इधर के लिए क्या करना है फिर। अब दो केसेस बन सकते हैं, या तो ये 4 × 4 − 3 सोचोगे आप, या तो 6 − 5 सोचोगे, है ना। अब 300 से लेकर 4 जा करोगे तो 1200 पर खत्म हो जाएगा, ये तो 2000 में है, मतलब आप 6 जा करना पड़ेगा, है ना। तो वो 337 × 6 कितना होगा, 2022 −5 करूंगा तो 2017 हो गया, हो गया सेट सेट। तो 5 4 6 5, तो इधर आप कितना लगना चाहिए, 7 6, और फिर यहाँ पर कितना, 8 and 7। अब लॉजिकली सच में है ना, वो जैसे बताते हैं ना, दिल पे हाथ रख के अपने ये बात सोचो कि 7 से 49 में कितने बच्चे दुनिया में × 8 − 7 सोचने वाले, और एग्जाम में तो कोई चांस नहीं है, ट्रस्ट में, है ना। × 5 से जाओगे, फिर 14 ऐड करोगे, या सीधा सबसे पहले 7 स्क्वायर सोचोगे, × 7 बनाओगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मल्टीपल वाले में हमेशा पीछे से, इधर से जाया जाता है, और आपकी जिंदगी एकदम आराम से कट जाएगी। अब × 4 − 3 करते हैं, करेक्ट। तो वो × 4 − 3 जो है, अब यहाँ पर कितना होने वाला है, तो जैसे मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, पूरे का मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, 10,000 का × 4 करूंगा, 10,000 × 4 40,000 होता है, फिर 81 का × 4 करा जाता है, तो 81 का × 4 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, और उसमें से फिर 3 माइनस कर दो, तो 321 321, तो 40,321 आंसर हो गया, समझ रहे हो मेरी बात, कि ये कितना बन गया, 40321 इज दी आंसर। आई होप ये आपको वो क्लियर हो रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ वो, है ना। चलो नेक्स्ट केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस जो है वो बड़ा सिंपल सा है ना। और जैसे कि अगर एक नंबर दे रहा हूं मैं, 3 4 7 11 18, अब क्या बनेगा, काफी पास पास में नंबर है, लेकिन अगर आप डिफरेंस से बनाओगे, इतने पास में मल्टीपल नहीं होता, इतने पास में हमेशा डिफरेंस ही होता है, लेकिन डिफरेंस सेट नहीं होगा। देखो कितना बड़ा, 1, कितना बड़ा, 3, कितना बड़ा, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर कितना बड़ा, 7, है ना। तो ये 1 3 1 3 5 7 होता तो सेट हो जाता, ऑड नंबर बनते, लेकिन बीच में एक बार 4 आ गया, तो क्योंकि ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है भी नहीं, ये जो है वो इसको फिबोनाकी सीरीज बोला जाता है ना, इसको फिबोनाकी सीरीज बोला जाता है। एक्चुअली फिबोनाकी 0 1 से स्टार्ट होता है, 0 1 1 2 3 5, फिबोनाकी के अंदर क्या होता है, यहाँ से लेकर, मतलब फ्रॉम थर्ड नंबर ऑनवर्ड्स, एवरी नंबर इज सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, है ना। तो 0 + 1 कितना है, 1 1 + 1 कितना है, 2 1 + 2 कितना है, 3 2 + 3 कितना है, 5, अब 5 + 3 करके मैं इसको कितना कर दूंगा, 8 कर दूंगा, वो आंसर हो गया, है ना। 0 + 1 1 आया, अब 1 + 1 जो है वो 2 आया, फिर 1 + 2 3 आया, ऐसा। लेकिन एग्जाम में हमें एग्जैक्ट फिबोनाकी का सीरीज नहीं पूछा जाएगा, उसका लॉजिक सेव रख के पूछा जाएगा, ताकि थर्ड नंबर ऑनवर्ड्स एवरी नंबर विल बी सम ऑफ प्रीवियस टू, या तो फोर्थ ऑनवर्ड्स इट विल बी सम ऑफ प्रीवियस 3 होगा, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लाइक एक नंबर लेते हैं 1 1 4,
तो अब 114 में कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैं जो लॉजिक कराऊंगा वो फोर्थ नंबर ऑनवर्ड से लगाऊंगा, तो फोर्थ नंबर ऑनवर्ड नाउ एवरी नंबर विल बी सम ऑफ प्रीवियस थ्री, तो अब क्या बनेगा ये 4 + 1 + 1 है ना, मतलब ये 6 हो जाएगा, अब 6 + 4 + 1 ये जो है वो 11 हो जाएगा, फिर 11 + 6 + 4 मतलब ये जो नंबर है वो 21 हो जाएगा, फिर 21 + 11 + 6 मतलब ये जो नंबर है वो 38 हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपको वो चलते रहना है। तो एक बार नंबर पास पास में है, डिफरेंस नहीं सेट हो रहा है, डिफरेंस में हमारी ये बात हुई थी कि कंटिन्यूस जो जाएगा तो ऑड से जाएगा, कंटिन्यूस जो जाएगा तो ऑड से जाएगा, तो अगर बीच में एक इवन नंबर आ गया तो वो क्या करना है ना, वो प्रॉब्लम कर देगा। तो बीच में इवन आ गया मतलब डिफरेंस का डिफरेंस नहीं बन रहा है ये। अगर ये डिफरेंस का डिफरेंस नहीं बन रहा है तो उस केस में क्या करना पड़ता है, कुछ और सोचना पड़ता है, तो इट में भी अब फिबोनाची सीरीज फाइन। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट लॉजिक। अब तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे, अगर असेंडिंग में है तो सीरीज कंटिन्यूअस असेंडिंग में है, और अगर डिसेंडिंग में, अगर डिसेंडिंग में नहीं समझाया बट डिसेंडिंग में सेम होता है, और आप डिसेंडिंग में चाहो तो इसको उल्टा मतलब रिवर्स में भी जाके लॉजिक जो है ना ये सेट कर सकते हो, तो इसलिए मैंने आपको कभी भी डिसेंडिंग अब तक नहीं समझाया। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सीरीज में दोनों मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग एक साथ आ जाएगा है ना, लाइक 30, 38, 32, 44। साथ में अब अगर है 34 फिर 50 तो ये कैसे जाएगा, तो यहाँ पर ये एक असेंडिंग वापस डिसेंडिंग, वापस असेंडिंग वापस डिसेंडिंग वापस असेंडिंग, तो ऐसे सारे केसेस के अंदर मोस्ट ऑफ 60% चांस है कि ये अल्टरनेट सीरीज बना होगा या तो मल्टीपल सीरीज बना होगा है ना। मल्टीपल सीरीज का मतलब होता है हमें फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फिफ्थ, फिफ्थ से सेवन्थ वाला एक सीरीज बनाना पड़ता है, कितना हुआ +2, कितना हुआ +2, कितना हुआ +2, अब ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा है ना। आई एम लाफिंग बिकॉज माई डॉटर शी इज जस्ट 5, शी इज जस्ट कम एंड सेट विथ मी दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न, नाउ आई डोंट नो हाउ शी इज गोइंग टू लर्न दिस ऑल थिंग्स है ना। सॉरी थोड़ा साइड ट्रैक हो गया, थोड़ा पर्सनल, बट खाली बता रहा हूँ, मतलब काफी लोगों को सुनते सुनते लगा होगा कि सर का थोड़ा स्माइलिंग वाला वॉइस हो गया। हाँ मतलब खुश तो जिंदगी में रहना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, है ना। तो ये +2 + 2 चल रहा है, अब दूसरा जो है वो सेकंड से फोर्थ, फोर्थ से सिक्स वैसे जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो +6 + 6 + 6 का लॉजिक बनेगा, तो दोनों में लॉजिक जो है वो सेम नहीं होने वाले हैं, लॉजिक जो है वो दोनों में अलग होंगे। तो एक +2 + 2 + 2 था, दूसरा +6 + 6 + 6 के हिसाब से 56 बनने वाला है, करेक्ट। तो यहां पर एक बड़ा एक कम हुआ, एक बड़ा एक कम हुआ, सबसे पहले आप असेंडिंग डिसेंडिंग चेक करोगे या तो मल्टीपल केसेस चेक करोगे, 60% मल्टीपल से हो जाएगा, तो बाकी के 40% बच गए, ये 40% में जो सबसे पहला चांस है वो ये होता है, अगेन ऐसा कुछ है लाइक 3, 12, 4, 5, 36, 7, अब नेक्स्ट नंबर क्या है ना। यहाँ पर भी एक नंबर असेंडिंग, एक डिसेंडिंग, एक असेंडिंग, असेंडिंग वापस डिसेंडिंग, लेकिन ये मल्टीपल सीरीज नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमने सीरीज को ब्रेक कर दिया है, और अब ये 3-3 के पैर में मैंने 3-3 मतलब ट्रिपलेट बनाया है,
तो या तो थ्री या तो फोर के ब्लॉक में नॉर्मल इसको ब्रेक करा जाता है, 4 3 12, 5 6 30, तो अब 7 8 करना पड़ेगा मुझे, है ना। 7 8 कितना होता है, करेक्ट। लेकिन वो जो 56 आएगा, वो 56 8 से पहले आ जाएगा ना, मतलब आपका आंसर जो है वो आंसर 8 नहीं, आंसर 56 होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन हो, 8 में भी सिंपल एडिशन लाइक 3 4 7 5 6 11 7, तो फिर क्या, तो यहाँ पर सिंपली 3 + 4 7 बना रहा हूँ, 5 + 6 11 बना रहा हूँ, तो फिर 7 + क्या करना पड़ेगा, 7 + 8, और फिर उसके बाद में आएगा 15। तो वो जब सीरीज में असेंडिंग, एक नंबर बढ़ा एक कम हुआ, एक बढ़ा एक कम हुआ, अगर दोनों एक साथ होगा उस केस में या तो आप ऑल्टरनेट सीरीज बनाओगे या तो आप क्या करोगे, सीरीज के अंदर 3 3 या 4 4 के ब्लॉक्स रेडी करोगे। आई होप आप लोग मेरे साथ हो और ये चीज समझ रहे हो। चलो मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व दैट फॉर मी फर्स्ट, है ना, फिर मैं उसका आपको लॉजिक बताऊंगा या तो लॉजिक जो है वो समझाऊंगा। आई होप ये क्लियर है आपको, बनाया सॉल्व करा हुआ कि नहीं हुआ। बच्चों सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है चलो मैं करवाता हूं। अब यहां पर भी आपको लगेगा कि डिसेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, खाली एक ही बार ये 8 to 4 में डिसेंडिंग हुआ, फिर कहीं तो डिसेंडिंग है ही नहीं ना, फिर तो कंप्लीट असेंडिंग है। तो ये अब इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको मैं 0.5 लॉजिक एग्जाम के लिए बोलता हूँ, और ये पेपर सेटर का सबसे फेवरेट लॉजिक है। हमेशा याद रखना, इफ सेकंड वैल्यू इज आइदर एग्जैक्ट हाफ और अप्रोक्स हाफ, और अप्रोक्स हाफ कंपेयर टू दी फर्स्ट वन, कंपेयर टू दी फर्स्ट वन, इन दैट केस आपको 0.5 लॉजिक लगाना पड़ता है। मतलब 8 से 4 जो हुआ ना वो हाफ हो गया, अब आप इंटू 1/2 करो या इंटू 0.5, सेम ही होता है। तो 8 से 4 क्या हुआ, इंटू 0.5, फिर 4 से 4 इंटू 1, फिर 4 से 8 इंटू 2। तो अब आप देखोगे तो बड़ा सिंपल है, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, खाली मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो 2 का डबल होगा 4, और अब 4 का डबल कर लूंगा 8, तो 32 8 जा कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये एग्जैक्ट हाफ हो, ये अप्रोक्सीमेट हाफ भी हो सकता है। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी ले सकता हूँ, 9 5 6 14 60, तो आप क्या, तो अब 9 का हाफ कितना होता है, 4.5, लेकिन ये तो 5 है, तो मतलब ये इंटू 0.5 + 0.5 है, फिर ये इंटू 1 + 1 है, ये इंटू 2 + 2 है, ये इंटू 4 + 4 है, तो इट इज एज गुड एज द लास्ट वन, लेकिन मैंने जो नंबर से इंटू करा इस बार उसी नंबर से मैं इसको प्लस भी कर रहा हूँ, ऐड भी कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, इंटू 8 + 8 करना पड़ेगा, तो 8 6 480 + 8 ये कितना हो जाएगा, 488 हो जाएगा। आई होप सब लोग मेरे साथ हो और ये समझ रहे हो। तो 0.5 लॉजिक, व्हेन सेकंड नंबर इज आइदर एग्जैक्ट हाफ और अप्रोक्सीमेट हाफ कंपेयर टू दी फर्स्ट वन। अब नेक्स्ट, अगर सीरीज में कहीं पर भी, अगर सीरीज में ऑलवेज रिमेंबर, कहीं पर भी है ना सीरीज के अंदर 0.5 आ गया, जैसे कि यहां पर आया है, या तो वो सीरीज के अंदर कहीं पर भी या तो 0.5 आ गया, 0.25 आ गया, या 0.75 आ गया,
तो हमेशा इतना याद रखना, किसी 0.5 वाले से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ये 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई तो 0.5 वाला मल्टीप्लिकेशन में आया ही आया है। तो अब 3 से 4.5 मतलब इंटू 1.5, करेक्ट? तो अब ये इंटू 2, तो 1.5 एंड 2 मतलब खाली हाफ से गैप इंक्रीज हो रहा है, तो ये अब इंटू 2.5, तो अब ये इंटू 3, तो अब इसके बाद में कितना इंटू 3.5 करूँगा, तो 67.5 इंटू 3.5 कितना हो जाता है, 236.25 हो जाता है, करेक्ट? कैसे पता है? सारे क्वेश्चंस मुझे याद है, इसलिए मुझे ये पता है कि ये क्या बनेगा, है ना? और एक एग्जांपल लेता हूँ, 3 8.5 3 8.5, फिर 37.5, फिर नेक्स्ट है 231.5, तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? वापस आप देखोगे तो 0.5 0.5 आ रहा है, कहीं पर भी क्वेश्चन में 0.5 है, मतलब इतनी चीज क्लियर है। कहीं पर भी क्वेश्चन में 0.5 है, मतलब इतनी चीज क्लियर है कि किसी 0.5 से तो कुछ न कुछ मल्टीप्लिकेशन में या तो एडिशन में 0.5 है ही है। तो ये एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है ना? अब आप चाहो तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, मतलब स्टार्टिंग से इधर से नहीं सोच रहे हो, तो जैसे मैंने बताया था इनटू होता है, तो पीछे वाली वैल्यू से आप सोच सकते हो, तो 37 से 231, करेक्ट? तो सिक्सा से होगा, तो 37.5 इंटू 6 करके, तो 37.5 इंटू 6 जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 225, लेकिन ये तो 231.5 है, तो 225 में 6.5 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा ना, तो ये इंटू 6 प्लस 6.5 से हुआ था। या तो आप इधर से भी निकाल सकते थे, यहाँ से लॉजिक इतना डिफिकल्ट नहीं था, किस इंटू 2 प्लस 2.5, तो 2 2.5 था, तो वो 6 6.5, तो या तो अब ये इंटू 3, लेकिन 8 3 जा थोड़ा कम पड़ रहा है, 24 ही होता है ना, तो इंटू 4 प्लस 4.5 करूँगा तो बैठ जाएगा, तो अब नेक्स्ट में फिर सेम लॉजिक से इंटू 8 प्लस 8.5 करना पड़ेगा, 231.5 इंटू 8 प्लस 8.5 कितना हो जाएगा, 1860.5, तो ये हमारा आंसर है इसमें। तो जैसे मैंने बताया, आपको पॉइंट ये याद रखना है कि कहीं पर भी 0.5 0.25 0.75 है, मतलब अब बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली किसी न किसी ये या तो एडिशन में या तो इसमें से कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में तो या तो मल्टीप्लिकेशन में कोई 0.5 वाली वैल्यू तो आई ही आई है फॉर श्योर, करेक्ट? लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट लॉजिक। नेक्स्ट लॉजिक जो है वो सेल्फ सीरीज का है। सेल्फ सीरीज मतलब कोई लॉजिक नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मतलब आप प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट नंबर नहीं बनाते हो, जैसे अगर मैं मुझे पा मुझे ये सीरीज दिया हुआ है, मेरे पास ये वाला सीरीज है 5 8 28 162, तो मैं इसको कैसे बनाता हूँ, बड़े नंबर से लॉजिक निकालूंगा, तो 28 से 162 मतलब इंटू 6 माइनस 6 से बनेगा, तो फिर यहाँ से ये इंटू 4 माइनस 4, तो फिर इधर से इंटू 2 माइनस 2, तो प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट नंबर बना रहा हूँ, है ना? तो इन सारे केसेस में मैं प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट नंबर नहीं बनाऊंगा। सेल्फ सीरीज में सीरीज अपने हैं, आप एक लॉजिक में होती है। लेट अस राइट वन सीरीज, इट इज 2 3 5 7 11 13, तो अब यहां से 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11 नहीं बने हैं, रादर यहाँ पर ये जो सीरीज है वो प्राइम नंबर का सीरीज है, तो
इस केस में ये आपको डिफरेंस से नहीं बनाना है, क्योंकि इससे ये बनेगा ही नहीं, तो ना तो प्लस ना तो मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करने से नेक्स्ट नंबर नहीं आने वाला था, है ना। आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, जैसे मैंने बताया था माई डॉटर हैड कम, अब इतनी छोटी है और वीडियो चालू है कि मैं चिल्लाऊँ भी कैसे उसके ऊपर, है ना, और छोटे बच्चों पर नहीं चिल्लाना चाहिए कभी भी। नेक्स्ट लॉजिक एक हम लोग सेल्फ सीरीज में लेते हैं, दैट इज 1 1 2 4 9 3 4 1 6 2 5 5। अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए? अगर इसमें भी आप इसको डिफरेंस से बनाओगे या इनटू से बनाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट नंबर जो है वो प्रीवियस नंबर से आया ही नहीं है, नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। सीरीज अपने आप में ही एक लॉजिक से आगे बढ़ रहे थे या बढ़ रहे हैं, जैसे कि 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 16 है, 5 स्क्वायर 25 है, तो अब 6 स्क्वायर 36, मतलब आंसर मेरा 636 का आएगा। लेकिन हर बार इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या करा है, ये LIC में पूछा गया क्वेश्चन है, लॉजिक से क्या करा है, एक नंबर से दूसरा स्क्वायर, लेकिन एक बार स्क्वायर लेफ्ट में रखा, दूसरी बार राइट वापस लेफ्ट में रखा, नेक्स्ट टाइम राइट वापस लेफ्ट में रखा, नेक्स्ट टाइम राइट, ताकि ये थोड़ा आराम से सॉल्व हो जाए या आपको थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन फील हो, है ना। अब सेल्फ में ही और एक लॉजिक की बात करता हूँ, लाइक लेट अस टेक अ न्यू सीरीज, इट इज 0 4 18 48 100, तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा। अब कहीं पर भी इतना याद रखो कि अगर जीरो आता है सीरीज के बिगिनिंग में, है ना, अब जीरो बन कैसे सकता है, जीरो दो ही केसेस में बन सकता है, या तो सब्ट्रैक्शन से, लाइक 5 माइनस 5 4 माइनस 4 3 माइनस 3, वैसे जीरो बनता है, या तो इनटू जीरो जीरो बनाता है। अब इनटू जीरो से मैं चालू करूंगा, इनटू जीरो तो क्या होता है, सबको जीरो बना देता है, तो एडिशन से एंड डिविजन से कभी भी जीरो नहीं बनता, उतना याद रखना लाइफ में, इंटू जीरो जीरो बनाता है या तो सब्ट्रैक्शन जीरो बनाता है, या इंटू जीरो करूंगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो से अगर सीरीज स्टार्ट होती है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन वाला। क्या क्या चीज़ें होती है टिपिकली, तो ये वाली, या तो एन स्क्वायर माइनस वन होता है, या तो एन क्यूब माइनस वन होता है, या तो एन स्क्वायर माइनस एन होता है, या तो एन क्यूब माइनस एन होता है, या तो एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर होता है, ऐसे किसी भी लॉजिक से। एन नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर क्या है, करेक्ट, जो आर्टिफिशियली नहीं बनाया है ना, नेचुरल कुदरती तरीकों से बनाया गया नंबर, करेक्ट। हाँ, तो मजाक कर रहा था, नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 so on। तो अगर जीरो है तो इसको इसमें से ही आपको किसी लॉजिक से सोच के जाना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी करोगे तो बनेगा तो जीरो ही बनेगा, तो आप इसमें जीरो नहीं सोचोगे, इस केस में आप क्या करोगे, है ना, यहाँ पर आप जीरो नहीं सोचोगे, रादर 4 या 18 या 48 ऐसा कोई नंबर सोचो। जैसे कि अगर मैं 4 सोच रहा हूं तो 4 कैसे आ सकता है, ये तो किसी से भी आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 भी वही देगा, 1 क्यूब माइनस 1 भी वही देगा, करेक्ट। अब 2 स्क्वायर माइनस समथिंग करूंगा तो 4 स्क्वायर, तो 4 तो आ नहीं सकता, 2 स्क्वायर में से कुछ माइनस करूंगा, 2 स्क्वायर अपने आप में ही 4 होता है, 4 में से कुछ भी माइनस होगा तो नंबर 4 से खत्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब ये पहले 4 केस गए, मतलब क्यूब वाले केसेस ही बचे हमारे पास, अब 2 बचे क्यूब वाले केस मेरे पास, करेक्ट, है ना। तो एक मेरे पास है 2 क्यूब माइनस 1 8 माइनस 1 7, नहीं हो सकता है, दूसरा मेरे पास है एन क्यूब माइनस एन, मतलब 2 क्यूब माइनस 2, तो 8 माइनस 2 वो 6 है, या तो 4 वो भी नहीं बचा, तो फिर मेरे पास है 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, ये वाला लॉजिक, 2 क्यूब 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, हो गया हो गया, तो शायद ये बन सकता है। तो यहाँ पर 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर चेक करो, 3 क्यूब 27 माइनस 3 स्क्वायर
27 माइनस 3 का स्क्वायर 927 माइनस 918 होता है, होता है। तो ये 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर चेक करो, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 स्क्वायर 16, 48 हो गया, हो गया। तो ये 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, तो अब मैं क्या करूँगा, 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 स्क्वायर 36, कितना हो जाता है 180, है ना, 180 हो गया। तो ये मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, करेक्ट। तो मोटा मोटा जो है ना नंबर सीरीज में खाली इतनी ही चीजें होती है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। अगर नंबर जो है वो पास पास में है तो डिफरेंस बनाओगे, पहले डिफरेंस से कभी भी एग्जाम में काम नहीं चलेगा, तो आपको डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बनाना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बनेगा या नहीं कैसे पता चलेगा, फर्स्ट टाइम के डिफरेंस से पता चलेगा। अगर वो सारे नंबर सी पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सारे नंबर ऑड है तो ऑड ही होने चाहिए, इवन है तो इवन ही होने चाहिए, मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बन सकता है। अगर सीरीज पास पास में नहीं है, टिपिकली लास्ट टू केसेस इनटू टू से बड़े हैं, तो मैं मल्टीप्लिकेशन चेक करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज रिमेंबर आप पीछे से लॉजिक स्टार्ट करते हो, लास्ट नंबर से, उससे ये इजी पड़ जाएगा। अनलेस एंड अनटिल बहुत इजी क्वेश्चन है तो बात अलग है। 2 5 मतलब इनटू टू प्लस वन बन रहा है, फिर इनटू टू प्लस टू के हिसाब से 12 बना रहा है, तो बात अलग है। लेकिन थोड़ा भी डिफिकल्ट वाला केस है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, लास्ट से पीछे से लॉजिक बनाना चालू करो। फिर जैसे हमने देखा फिबोनाकी वाला, एक फिबोनाकी सीरीज का लॉजिक हो सकता है, थर्ड नंबर ऑनवर्ड्स एवरी नंबर विल बी सम ऑफ प्रीवियस टू, या तो फोर्थ ऑनवर्ड्स सम ऑफ प्रीवियस थ्री, है ना। फिर अगर सीरीज में असेंडिंग डिसेंडिंग, एक नंबर बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, उस केस में आप अल्टरनेट या तो मल्टीपल सीरीज चेक करोगे। अल्टरनेट मल्टीपल से नहीं होता है तो सीरीज को तीन तीन नंबर में ब्रेक करोगे, कभी कभार चार चार में ब्रेक करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हमारी ये बात हुई, सेकंड नंबर अगर फर्स्ट नंबर से एग्जैक्ट हाफ या तो अप्रोक्सीमेट हाफ है, उस केस में आप क्या करोगे, 0.5 वाला लॉजिक लगाओगे। एग्जाम में याद रखना अगर चार या पांच क्वेश्चन आए तो उसमें से एक तो 0.5 वाला निकलेगा ही निकलेगा, है ना, ये मेरा गारंटी है कि ये आएगा। फिर हमारी ये बात हुई कि अगर सीरीज के अंदर कोई भी नंबर में, मतलब जब आपको नंबर्स दिए हैं कहीं पर भी, 0.5 है या तो 0.25 है या तो 0.75 है, तो कोई 0.5 वाले से या तो मल्टीप्लिकेशन या तो एडिशन हुआ होगा, ये सिंपली 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 कुछ भी हो सकता है, एडिशन या तो वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ध्यान रखना, है ना। और फिर एक हमारी बात हुई सबसे लास्ट में कि एक सेल्फ लॉजिक में सीरीज होता है जहां आप प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट नंबर नहीं बना पाओगे, तो क्योंकि नंबर अपने आप में ही एक लॉजिक से आगे बढ़ता होगा, ऐसे केसेस में ज़्यादातर सीरीज जीरो से स्टार्ट हो सकता है, जहां पर एन स्क्वायर माइनस वन, एन क्यूब माइनस वन, वो वाले लॉजिक हमने देखे, या तो उसी नंबर का स्क्वायर मिल सकता है या तो क्यूब मिल सकते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर माइनस प्लस टू, स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर माइनस टू, क्यूब प्लस वन, क्यूब प्लस टू, क्यूब माइनस वन, क्यूब माइनस टू, ऐसा भी बन सकता है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं, मैंने एग्जाम में एक सीरीज देखा था जहाँ पर क्यूब माइनस टू का सीरीज था, खाली बस सीरीज ऐसे स्टार्ट हो रहा था, है ना, के 6 25 62 123 और कुछ नहीं। तो वो अगेन ही आप इससे ये, इससे ये, इससे ये बनाने जाओगे तो ओके डिफरेंस लेता हूँ, कभी भी नहीं बनेगा, ना तो फिबोनाकी आएगा ना तो इनटू आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ था भी नहीं। तो ये सेल्फ लॉजिक में था, 6 क्या है, 2 क्यूब माइनस 2, फिर 25 3 क्यूब माइनस 2, 62 4 क्यूब माइनस 2, 123 5 क्यूब माइनस 2। तो अब आपको 6 क्यूब माइनस 2 मतलब 216 माइनस 2 214 आंसर करना पड़ेगा। आई होप
समझ रहे हो मेरी बात, करेक्ट? तो अगर इतनी चीज़ें एग्ज़ाम में ध्यान रख के जाते हो, मतलब आपको नंबर सीरीज पास करने से ये पूरी कायनात की है ना कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आई होप आप लोगों को इतना अच्छा लगा, बीच में थोड़ा ज़रा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए आई अपोलोजाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। मैं भी बोलूँ ऐसा अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपके दोस्तों को भी बोलो कि ये वाला वीडियो देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। तो ठीक है, मजाक कर रहा था। प्लीज़ स्टडी करते रहना, अच्छा अच्छा पढ़ते रहना, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहना, करेक्ट? प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ वेर एवर यू आर।